चीन के हंगजू शहर में एशियन गेम्स के 19वें संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी हुई। आपको बता दें कि बड़े ही धूमधाम के साथ ये ओपनिंग समारोह मनाया गया। भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे इस ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। लगभग 1 घंटे चले इस ओपनिंग समारोह में कई देशों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि भारत की तरफ से इस ओपनिंग सेरेमनी में कई खिलाड़ियों ने शिरकत किया। बताते चले कि इस ओपनिंग सेरेमनी से पहले टीम इंडिया की टेबल टेनिस टीम ने भी अपने अपने मुकाबले को अंजाम दिया। भारतीय खिलाड़ी इस दौरान एक्शन में भी नजर आए। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने टेबल टेनिस में जीत दर्ज की। पुरुष की बात करें तो इन्होंने कजाकिस्तान की टीम को शिकस्त दी, तो वहीं भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने नेपाल को हराया। एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ध्वजवाहक की जिम्मेदारी लेते नजर आए। भारत की ओर से 655 एथलीट 39 खेलों में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। बताते चले कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एशियन गेम्स में क्रिकेट से भारत की दोनों टीमें यानी कि मेंस और विमेंस दोनों ने हिस्सा लिया है। विमेंस क्रिकेट की बात करें तो 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। वहीं अगर मेंस क्रिकेट की बात करें तो इसमें भारत का पहला मुकाबला अक्टूबर महीने की 3 तारीख को होगा, जो कि थोड़ा सा लंबा समय है। लेकिन इस बार इस प्रतियोगिता में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से कई एथलीटों को गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत के कई ऐसे एथलीट हैं जिनसे इस प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा ने अपने पिछले कई प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों से भारत को कितने ज़्यादा मेडल मिलते हैं। इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।